आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है सप्त व्यसन। सप्त मने सात, और व्यसन का मतलब ये है कि ऐसी लत पड़ जाना कि जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता है। बार बार वो चिंतन में आती है और व्यक्ति करने लग जाता है, वो लाचार हो जाता है। जब किसी भी आदत के वशीभूत व्यक्ति हो जाता है तब वो व्यसन कहलाता है। तो इसीलिए वह ऐसा वशीभूत होना अच्छा नहीं है, इससे व्यक्तित्व का ह्रास होता है, व्यक्ति की इमेज गिरती है और व्यक्ति जो है अपने आप से गिर जाता है, क्योंकि व्यसन जो है ये व्यक्ति को गिराने वाले। जैसे देखिए महाभारत में युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हमारे सप्त व्यसन में जुआ भी आएगा, तो उस जुआ खेलने का परिणाम आपने देखा, उस जुए के अंदर उसने अपना सारा साम्राज्य खो दिया, अपने भाइयों को गिरवी रख दिया, द्रौपदी को गिरवी रख दिया, और कितना अनैतिक कार्य किया, और वही महाभारत युद्ध का कारण बना। तो ये व्यसन है व्यक्ति के गिरावट का, व्यक्ति के धाराशायी होने का, व्यक्ति के रसातल में जाने का कारण बनता है, और व्यक्ति जो इतना बदनाम हो जाता है कि वह अपने आप से गिर जाता है, और जो व्यक्ति अपनी नजरों से गिर जाता है वह व्यक्ति जो है उसको आत्मविश्वास नहीं होता है और वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इसीलिए इन सप्त व्यसनों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ये बिल्कुल मानव को गिराने वाले हैं, इनके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। और अगर मान लो किसी वजह से ये हो जाए तो उसका तुरंत निवारण करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी इतने बड़े क्यों बने, कि उन्होंने बचपन के अंदर जो उनकी बुराइयां थी तो अपनी जागरूकता से और माँ की कृपा से वो बुराइयां छोड़ी। बचपन के अंदर कुछ कुसंगत के कारण महात्मा गांधी ने बीड़ी पीना सीख दिया, मद्यपान करना सीख दिया, व्यभिचार सीख लिया। तो ये व्यसन है। तो इन व्यसनों के अंदर आ जाने के बाद उनके मन में ग्लानि हुई, उनके मन में तुरंत दुख हुआ, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा थे, वो एक महान पुरुष बनने वाले थे। टू एरीज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन गलती करने के बाद के अंदर अगर वो उसको सुधार करता है और फिर गलती नहीं करता है तो वो मानव बना रहता है, और जो गलती नहीं करता वो देवता होता है, और बार बार वो गलती करता रहे तो वो पशु के समान होता है। ये तीन कैटेगरी होती है। तो भाई और बहनों, हम अपने मूल विषय पर आते हैं, सप्त व्यसन। पहला व्यसन है चोरी। देखिए कि किसी की वस्तु को बिना इजाजत के बदनीयति से उठा लेना। कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है, आपने उस चीज की चोरी कर ली, डाका डाल दिया, रात के समय के अंदर लुटेरे बनकर के डाका डाल दिया, और उसके अलावा जो कोई व्यक्ति ऑफिस के अंदर नहीं देखता वो चोर चुराई कर ली आपने, ये सारी चोरी है। तो चोरी का मतलब है कि उसके मालिक की बिना इजाजत के किसी वस्तु को उठा लेना, हड़प कर लेना। देखिए पहले क्या है कि छोटी छोटी चोरियां करता है व्यक्ति, फिर वो लुटेरा बनता है। प्रारंभ के अंदर बच्चा जब प्राइमरी क्लास में होता है और जब वो स्कूल के अंदर जाता है, किसी का पेन चुरा लेता है, किसी की पेंसिल चुरा लेता है, किसी का रबड़ चुरा लेता है, उस वक्त के अंदर अगर माता पिता उसको प्रोत्साहन देते हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम पेंसिल ले आया, पेन ले आया, तो उससे हाव भाव उसका बढ़ जाता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है, और धीरे धीरे वो बड़ी चोरियां करता है, और ऐसा व्यसन पालते पालते वह डाकू लुटेरा, बड़ा लुटेरा भी हो जाता है। तो ये जितने भी बड़े लुटेरे होते हैं वो ऐसा ही बनते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इसी तरह से मां ने एक व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया और वो व्यक्ति करते करते जो है वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, और डकैती में पकड़ा गया और वो जेल चला गया। तो माँ उसे मिलने आई तो उस जो है वो कैदी ने जो है माँ का नाक काट लिया,
और माँ ने कहा ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा कि माँ अगर तुम मुझे बचपन के अंदर मैंने छोटी छोटी चोरियाँ की उस वक्त ही मुझे थप्पड़ मारती, मुझे रोक लेती, मुझे पीट लेती, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। वास्तव में सही है, माता पिता का ये फ़र्ज होता है, दोस्तों का ये फ़र्ज होता है, रिलेटिव का ये फ़र्ज होता है कि कोई व्यक्ति सप्त व्यसन में जा रहा है, कुसंगत में जा रहा है, उसे तुरंत रोकना चाहिए और उस पर एक्शन लेकर के उसको छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति के प्रति हित है। तो ये चोरी। दूसरा है जारी। जारी का मतलब होता है व्यभिचार करना। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम चतुपुरुषार्थ की बात करें, चतुष्पुरुषार्थ की बात करें, जो कि हमारी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, और हमारी संस्कृति में इसको बड़ा महान स्थान दिया गया है कि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन कैसे जिए, तो उसके चार जो है घटक बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो काम का अर्थ होता है शरीर की आवश्यकता है। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसके सारे जो है वीर्य वगैरह और सारी जो युवापन के अंदर जो उसको जागृति मादकता जो आती है, वह ये शरीर की आवश्यकता है और इस शरीर के अंदर ये पैदा होता है।